हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट हैं क्लास 10 के इंग्लिश, ठीक है, क्लास 10 के इंग्लिश के मॉडल पेपर को लेकर मैं प्रेजेंट हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह मॉडल पेपर हमारे जैक की वेबसाइट पर डाल दी गई है और ये मॉडल पेपर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस बार जो 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाली है वो किस टाइप में, कहाँ से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या बदलाव है, कुछ बदलाव किया गया है या नहीं है, 2019 में जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ था क्या उसी तरह से होने वाली है या क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। जैसे कि पता है हमारे 2019 से यहाँ पर 80 मार्क की एग्ज़ाम हो रही है और इस बार भी आपका 80 मार्क का ही एग्ज़ाम होगा, यानी टोटल जो होगा फुल मार्क होगा वो आपका 80 होगा, 80 नंबर का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी बात पर बात करेंगे, इसी टॉपिक पर हमारी इस बात होगी और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो आपको नहीं पता होगा, तो इस वीडियो को आप स्किप करके देखते हैं तो कोई ऐसी पार्ट होगी जो आप भूल सकते हैं, मतलब आपसे मिसिंग हो सकती है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब करें और बगल में जो आपको बेल आइकन दबा रहा दिख रहा उसे भी दबाना ना भूलें क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि पता है हमारे सबसे पहले यहाँ पर हमारा रीडिंग सेक्शन आता है, रीडिंग सेक्शन से हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस बार भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको बता देना चाहता हूँ ये रीडिंग सेक्शन हमारी एक 12 मार्क्स की जो आपका अनसीन पैसेज होता है और एक 8 मार्क्स का अनसीन पैसेज होता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर जो यहाँ पर एक पैसेज दी गई है और इससे रिलेटेड, इस पैसेज से रिलेटेड हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का हमको जवाब देना होता है और इसका जवाब देने पे आपको इसके वेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको नंबर्स मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आपको हमारा कितना मार्क्स का मिल रहा है, दो दो नंबर्स के मिल रहे हैं। ठीक है, और आपको डी नंबर जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग वहाँ पर 1 और 1 2, यानी यहाँ से ये आपकी ऑप्शन है, ये नंबर 1 और नंबर 2। आपको करना क्या है, इसमें जो पैसेज है इस पैसेज को रीड करना है पूरी अच्छी तरह से, ध्यान से आपको इसको रीड करना है और इस जो इनकम्प्लीट जो सेंटेंस है उसको क्या करना है, हमारा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको ये लाइन जो आपकी इनकम्प्लीट नजर आ रही है ना, ये आपको इसी पैसेज में पढ़ने से मिल जाएगा और आपको वहीं से ये लाइन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा जो है वो भी एक अनसीन पैसेज है, इस पैसेज को भी क्या करना है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, है ना, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे इस पैसेज को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह से, ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे जो क्वेश्चंस दी हुई है उसका हम लोग को क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे आप देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दी हुई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस हमारा ऐप तक है। ठीक है, और यहाँ पर आप नजर आ रही होगी यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के नंबरिंग यहाँ पर किए गए हैं, तो कुल मिलाकर आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर बात जो हमारी पास आई वो हमारा क्या हुआ कि अनसीन पैसेज हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, 20 मार्क्स यानी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक हमारा 8 मार्क्स का एक पैसेज होगा और एक होगा हमारा 12 मार्क्स का। ठीक है, तो 12 और 8 हमारा कुल मिलाकर होगा 20। तो अगली बात हम लोग करते हैं सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में हमारा राइटिंग और ग्रामर सेक्शन आती है, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन में हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 मार्क्स लिखा गया और पिछले वर्ष भी 30 मार्क्स आई थिंक पूछी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका राइटिंग और ग्रामर सेक्शन से। आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पर आपको लेटर एक लिखने के लिए दिया जाएगा जो होगा कुल मिलाकर 8 नंबर्स की लेटर ये आने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लेटर से दोनों ही प्रकार से पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ये दोनों ही प्रकार का लेटर होगा। ठीक है, तो आप फॉर्मल लेटर भी आप तैयारी कर लें और इनफॉर्मल लेटर भी आपकी तैयारी कर लें, दोनों तरह से लेटर आप तैयारी कर लें, यानी औपचारिक और अनौपचारिक लेटर जिसको लोग हिंदी में कहते हैं, ये दोनों ही प्रकार के लेटर की आप तैयारी कर लें ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर छूट ना जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे आपको यहाँ पैराग्राफ पूछी जा रही है और ये पैराग्राफ आपका 8 मार्क्स का है और यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ ये पैराग्राफ आपको 100 से लेकर 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 मिलेंगे, 3 में से किसी एक पर ही आपको अपना पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि पिछली बार जो पैराग्राफ पूछी जा रही थी वो 4 मार्क्स का पूछा जा रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पिछली बार हमारा यानी 2019 से हमारा ये चेंज कर दिया गया और इस बार हमारा 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगली और देख लेते हैं क्वेश्चंस नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आप जहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन
गिवन बिलो, यानी यहाँ पर हमारा कुछ करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं चार, यहाँ पे सॉरी कितने दिए हुए हैं, पांच दिए हुए देंगे ना आपको लग रहा है, एक यानी कुल मिलाकर ए से ए बी सी डी ई और एफ, यानी सिक्स यहाँ पर नंबर्स हैं, छह आपका दिया हुआ है। और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आपको सिक्स मार्क्स के यानी छः मार्क्स मिले, यानी एवरी क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको वन नंबर्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस कुछ दी हुई है, आपको यहाँ पे किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है, ये जो ऑप्शन है आपको सेंटेंस को पढ़ना है और उसके सेंस को समझना है, सेंटेंस को फिलअप करना है और उसको फिर मीनिंग को देखना है, क्या वो एक सुटेबल मीनिंग दे पा रहा है, अगर वो दे पा रहा है तो सही ऑप्शन होगा, वो उसी को हमको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप ग्रामर्स के कुछ रूल्स जैसे कि टेंस के अगर कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है, कंटिन्यूअस का क्या रूल है, सिंपल प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या रूल है वगैरह वगैरह, अगर आप पढ़े हुए हैं तो रूल के माध्यम से भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं अभी तक जान सकते, तो आप यहाँ पर एक काम कीजिएगा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नजर आ रही है इन सभी ऑप्शनों को आपको डाल के क्या करना है, रफ में एक बार देख लेना है और उसकी मीनिंग को पकड़ने की कोशिश करना है कि क्या एक फुलफिल मीनिंग दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर वो फुलफिल मीनिंग बन रहा है अच्छी तरह से तो आप उससे भी भर सकते हैं और आपका यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इसमें सही अप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको छह मार्क्स मिलने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको एक एक नंबर मिलने वाली है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट इन, जो आपको यहाँ पर डायरेक्टेड यहाँ पे किया गया है ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। जैसे पहला वाला लिखा हुआ है इज टू लेजी टू राइट, यानी रिमूव टू में इसको चेंज करना है। यहाँ पर आपको चार मार्क्स मिलने वाले हैं, फोर मार्क्स मिलेंगे और चार मार्क्स, यानी ये प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको एक एक मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, चार क्वेश्चन है आपको। उसका दूसरा क्वेश्चन जो नजर आ रहा है इनटू असर्टिव में बदलने के लिए बोला जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बदलने के लिए बोला जा रहा है, और चौथा देख रहे हैं इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपका रिमूव टू पहले से ही पूछी जा रही है, इनटू असर्टिव आपका पहले से ही पूछा जा रहा है, नेगेटिव भी पूछी जाती है कभी कभी, है ना, और इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ये भी हमारा पहले से ही पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो आपको पैसिव वॉइस नजर आ रही है ये चीज हमारा 2019 से जोड़ा गया है, ठीक है। तो 2019 के बाद से ही पैसिव वॉइस पूछी जा रही है, उससे पहले पैसिव वॉइस नहीं आ रही थी, ठीक है। तो क्लास 9 में ऐसे तो था लेकिन क्लास 10 में नहीं पूछी जा रही थी, लेकिन आप देख रहे हैं 2019 से पूछी जा रही है, तो आप पैसिव वॉइस का भी तैयारी कर ले अच्छी तरह से ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, और एक एक नंबर आपको जोड़कर ही आपको टॉपर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आप समझ लें, पूरी अच्छी तरह से ध्यान में डाल लें कि आपको कहाँ से कितने नंबर्स मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आप आ रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको चार मार्क्स मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉडल्स भरने, यानी मॉडल भार आपको भरना है, एमबी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मे मस्ट कुड कैन दिया हुआ है और ये यहाँ पर चार है और आपको चार मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर एक एक मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ मिलाकर यहाँ पर मॉडल वर्ब्स जितने हैं आप पढ़ लीजिएगा, मे माइट शैल शुड विल वुड कैन कुड, ये सब कुछ मॉडल्स वर्ब्स हैं जो इसको आपको पढ़ लेना है, अच्छी तरह समझ लीजिए और इसको पूरी तरह से यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ठीक है। और इसके आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर ले ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पर गैन हो, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको बात अगर समझ में आ गई है तो अब हम लोग अगले की और अगले क्वेश्चंस की ओर मैं बढ़ता हूँ। आपको मैं आप बता देना चाहता हूँ, अब हमारी बात जो होगी लिटरेचर सेक्शन पर होगा और यहाँ पर आपको मैं बता देना हूँ लिटरेचर सेक्शन से यानी हमारा 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो आप 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर पूछा जाए रीड द पैसेज, है ना, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये चीज़, यहाँ पर एक आपको पैसेज दिया रहेगा और ये पैसेज को आपको क्या करना है, ये इस पैसेज में आपको जो नीचे यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ए बी सी डी ई ए बी सी डी, यानी चार मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, फोर मार्क्स आपको मिलने वाले हैं और इन तमाम क्वेश्चनों को यहाँ से आपको तैयारी करना है, सॉरी यहाँ से आप खोजिएगा, इस पैसेज में आप खोजना है और इस पैसेज से आपको सारा यहाँ चार ही क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगी। आपको मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो पैसेज है आपका वो बुक से रहता है, ठीक है, आपका ये किताब से रहता है और आपका ये किताब जो है फर्स्ट फ्लाइट से रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट से ही आपका चार मार्क्स से यहाँ पे पैसेज से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, आप उसकी तैयारी कर लें, उस स्टोरी को घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें और अगर आप पढ़ के हैं तो यहाँ पे कोई भी आंसर करने में आपको दिक्कत तो नहीं आएगी, किसी प्रकार की कठिनाई के सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली क्वेश्चंस की ओर मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पर आपका बी नंबर यानी ए नंबर हो गया, आप बी नंबर बोल रहे आंसर द फॉलोइंग, है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन रहेगा, किसी एक क्वेश्चन को ही आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो आंसर मिलने वाले हैं इसका मार्क्स का, जो आपको मार्क्स मिलने वाला है इस क्वेश्चन का, वहाँ पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर नजर आ रही है व्हाई वाज द यंग सीगुल अफेक्ट फ्लाई, यानी इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बड़ा छोटा नजर आ रहा है लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 6 मार्क्स लेना है, ठीक है।
तो 6 मार्क्स आप थोड़ा सा लिखोगे, 2 लाइन 3 लाइन लिख दोगे, आपको आंसर में 6 नंबर्स में नहीं मिलेंगे। आप कोई ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को कि अपने आंसर को कैसे एक्सप्लोर करना और कैसे थोड़ी अच्छी तरीके से, अच्छी लेखन शक्ति से, अच्छी लेखन कौशल से आपको अपने स्किल्स को थोड़ा डेवलप करना है, लिखने की शक्ति जो आपके जो स्टाइल है उसमें थोड़ी सी बदलाव लानी है, चेंजेस करनी है, और यहाँ पर आप नंबर्स उठा सकते हैं 6 नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है जो ओवर में, यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, किसी एक क्वेश्चन का आप आंसर देना, जो आपको अच्छे से आता हो उसी ही क्वेश्चन का आंसर लिखें। ऐसा ना करें कि जिसको आप नहीं जानते उस चीज को ट्राई वहां पर ना करें, क्योंकि यहां पे नंबर्स आपको कम मिलने वाले हैं, कम मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है कि जिसको आपको पूरी अच्छी तरह से आती हो उसी क्वेश्चन को आप यहां पर आंसर लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स। आप मैं अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन आपका 9 नंबर्स में है, यहाँ पर आपका पोएट्री सेक्शन से, और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पोएट्री सेक्शन से 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, 10 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। और सबसे पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा का आपको मिलने वाला है, यहाँ 4 लाइन का पॉइम्स आपका, जो इतने भी आपके पॉइम उस पॉइम को आपको यहाँ पर उठा के 4 लाइन आपको दे दिया जाएगा, 4 लाइन का एक स्टंजा बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम द पॉइम्स फ्रॉम हुएर दिस लाइन, वेयर दिस लाइन यहाँ पर लिखना चाहिए, ऐसे तो लिख दिया लिप्स हैज बीन टेकन, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स यहाँ पर भी मिलने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको एक एक नंबर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको पोएम का नाम पूछा जा सकता है, या फिर आपको पॉइंट का नाम पूछा जा सकता है कि इस पोएम को किसने लिखा और ये पोएम कहाँ से लिया गया, क्या इस पोएम का टाइटल क्या है। तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ही इस तरह का, यहाँ पे ही जो है, जैसे पूछा जाए हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, यहाँ पे ही जो है वो कौन है, ठीक है, ही जो बात की जा रही है वो किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि यहाँ पे ही जो है वो किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मैं देख लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगले जो क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड। देखिए आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 1 क्वेश्चन का नहीं लिखना है, 2 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। और ये 2 क्वेश्चन का जो आपको बोला जा रहा है, आपको 20 से 30 यानी 20 से 30 शब्दों में आंसर आपको देना है, ठीक है, 20 से 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। और आप कोशिश करें कि ये भी आंसर आप लिखें थोड़ा सा अपने, तो लेखन जो कौशल होनी आपकी जो होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका डायरेक्ट आंसर देते, थोड़ा हम चाहेंगे कि आप डायरेक्ट आंसर ना देकर थोड़ी सी बदलाव करें अपने आंसर लिखने की कला में, आप थोड़ी सी चेंजेस करें, थोड़ा सा अपने आप को, बोला जाता है कि टॉपर कुछ अलग नहीं करता, बस किसी कामों को अलग तरीके से करता है, ठीक है। तो वही चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर टॉपर कैसे लिखता है, और आपको अगर टॉपर बनना है तो मैं चाहता हूं बाबू कि कम से कम इस चीज को ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आप लिखने का प्रयास करें। डिफरेंट करने का मतलब यह नहीं होता है कि थोड़ा गंदा लिखे, आप थोड़ा डिफरेंट करने का मैं बात कर रहा हूं कि आप थोड़ा अच्छा लिखे और बेहतर लिखे, ताकि आप तो जिस जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा इस चीज को वो सोच ले कि ये बंदा कुछ अच्छा लिखा है, तो इसको नंबर देने पर मतलब वो काट ही ना पाए आपको नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको 3-3 करके यानी 2 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है, तीसरा आप नहीं लिखिए, नहीं लिखना है, आपको 2 ही का आंसर देना है, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप 3 लिख दिए, आप ऐसा सोचते, बहुत को ऐसा करता है, हमने बहुत सारे कॉपियों को ऐसा चेक किया हूं अभी तक, मैंने पाया अभी तक कि बच्चे क्या करते हैं, 3 को ही 3ों को लिख देते हैं, और वो सोचते हैं इस बात को कि कोई एक अगर गलत होगा तो उसे काट देंगे और 2 का आंसर मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे जो पहला मिलेगा बाबू मैं उसी का आंसर देता हूँ, उसी का नंबर आपको मिलता है। और कभी कभी ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो हमारा 2ों ही काट देते हो, कभी कभी है ना 2 काट देते हैं इस चांस पे कि आप 3 क्यों लिख रहे हो, ठीक है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है कि जितना पूछा बोला जाए उतना ही लिखना है, आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से मतलब ऐसा कुछ ना लिख दें कॉपी पर जो आपके लिए खराब साबित हो, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मैं देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो सप्लीमेंट्री रीडर से है, और यहाँ पर भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले, 10 मार्क्स मिलने वाली है। 10 मार्क्स में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक कैरेक्टर आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपको मिलेंगे 8 मार्क्स, यानी यहाँ पर कैरेक्टर आपकी जो पीछे से 2000 बहुत पहले से ही पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर कैरेक्टर हमेशा पूछी जाती है सप्लीमेंट्री रीडर से, कैरेक्टर हमेशा पूछा जाता है, कैरेक्टर को आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर पूछा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टर लिखा लिया गया है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ होली, यानी होली का जो आपको कैरेक्टर लिख के पूछा गया है, यहाँ पर आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन, यहाँ पर 2 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से किसी एक का ही आपको लिखना है, 2ों का नहीं लिखना है, 1 ही लिखें आप, ठीक है। उसके बाद आप बी नंबर में आप देख सकते हैं,
वाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी, यहाँ पर आपको दो मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखें कि जितना नंबर्स है उसी के अकॉर्डिंग उसके वर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको दो मार्क्स लिख रहे और आप क्या किए, आप 100 to 150 वर्ड्स में आप लिख दिए, इससे क्या होता है आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया जाता है। और आप क्या करते हैं कि अच्छी तरह से आप लिख तो दिए लेकिन आपको अब 100 वर्ड्स में लिख दिए आंसर, आपको वहाँ पर मिल रही थी दो मार्क्स, वहाँ पर इंडिकेट किया गया आपको इसमें 2 मार्क्स ही मिलेंगे। और आप क्या सोच, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख देने के बाद ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ट्राई करें कि जितना जैसा नंबर आपको मिलने वाला है उतना ही उसको शब्द में उत्तर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को बचाए और सभी क्वेश्चन को टच करें अपने एग्जाम पर, ठीक है। अपने एग्जाम पर इस बात को कोशिश प्रयास करना है कि हमको सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, टच करना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन हमारा छूट जाए, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, पूरी अच्छी तरह से तैयारी लगे रहो अपने एग्जाम के लिए। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कुछ ही दिन के बाद आपकी जैक बोर्ड आपके प्रोग्राम भी आपको, मतलब जो प्रोग्राम होने वाली है आपके एग्जाम की, जो प्रोग्राम होगी वो भी जारी कर दिया जाएगा और वो भी मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर देने वाला हूं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो आपको लिए कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।